welcome students i ranu pandelwar your assistant teacher today we will start our new chapter chapter 1 resources in your geography textbook let us start mona and raju were helping amma to clean their house look at all these things clothes utensils food grains combs this bottle of honey books each of these has a use said mona

और जो चीज़ हमारे वर्क काम आती हैं और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है वो क्या कहलाती है रिसोर्सिस नाउ आवर टॉपिक इज रिसोर्सिस एनी थिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ कॉल्ड रिसोर्सिस मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करती है नीड मतलब आपकी ज़रूरत को पूरा करती है वो क्या कहलाती है रिसोर्सेज़ लुक अराउंड यू ऑब्जर्व यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हम अपने आस पास देखते हैं तो हम आइडेंटिफाई करते बहुत टाइप ऑफ रिसोर्सिस की जस्ट लाइक द वॉटर यू ड्रिंक द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस द रिक्शा यू यूज टू गेट होम द टेक्सट बुक यू यूज टू स्टडी द फ्रेश वेजिटेबल्स यूज आर ऑल्सो आर रिसोर्सेज जस्ट लाइक हम ड्रिंक के लिए वाटर यूज करते हैं दैट इज ऑल्सो रिसोर्स वी यूज इलेक्ट्रिसिटी इन आवर हाउस दैट इज रिसोर्स वी यूज रिक्शा फॉर ट्रेवलिंग वी यूज टेक्सट बुक फॉर स्टडी एंड वी यूज फ्रेश वेजिटेबल्स दीज आर ऑल कॉल रिसोर्सिस बिकॉज दे सेटिस्फाई आवर नीड्स इट इज क्लियर यू ऑल दोज रिसोर्सेज ऑल दोज थिंग those satisfy our needs is called resources. Is it clear to you? Now let's begin, let's move on next paragraph. Water, electricity, rickshaw, vegetable, and textbook have something in common. These all things have something in common in their hub because they are used as our utility. That means we have these utility, so we can make this resource so that utility or usability is what makes an object or substance a resource जरूरत के और हमारी needs के कारण हम जिस object को use करते हैं वो हमारे लिए एक resource बन जाता है तो all of these resources are become resource because they needs us because they complete our utility clear how does something become a resource now it, this question also rise in your mind that how does something become a resource koi bhi cheese resource kaise bani how does raju now wanted to know

किसी भी रिसोर्स की जो वैल्यू होगी वो हमारे लिए उसका वर्थ है हमें तभी उसकी जरूरत होती है सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड सम डू नॉट वैल्यू मीन्स वर्थ सम रिसोर्सेज कुछ रिसोर्सेज की तो जो वर्थ है मीन्स कीमत है वो हम इकोनॉमी में देखते हैं इकोनॉमी मतलब फाइनेंशियल मीन्स मनी बट some resources have do not economic value but kuch resources ki economic value nahi hoti because or for example metals may have an economic value a beautiful landscape may not just like metals have an important material for needs our needs so metals is a economic value because we can purchase because we purchase metal by giving value money but a beautiful landscape may not beautiful landscape also a resource but we cannot purchase it by money so economic value of beautiful landscape is zero so we can say that beautiful landscape has no economic value and metal have a economic value but both are important and satisfy human needs these both resources are important for us because they satisfy our human needs let's move to next paragraph some resources can become economically valuable with time सम रिसोर्सेस कुछ रिसोर्सेस इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होते हैं हमारे लिए जैसे आगे टाइम बढ़ता है वो आपके लिए इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होते हैं बट कैसे होते हैं वो आपके लिए योर ग्रैंड मदर्स होम रेमिडीज कमर्शियल वैल्यू टूडे बट इफ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बायिकल फर्म टूमोरो कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हमारी ग्रैंड मदर्स की जितने भी होम रेमेडीज हैं हमारी सबकी ग्रैंड मदर्स कुछ ना कुछ होम रेमेडीज बताती है होम रेमेडीज मतलब होता है घरेलू उपचार आपके सर्दी बुखार होता है खांसी जुकाम होता है तो आपकी ग्रैंड मदर कुछ ना कुछ घरेलू उपचार करती है तो दैट इज हर होम रेमेडीज इनकी कमर्शियल वैल्यू नहीं है बिकॉज ग्रैंड मदर हमारे घर में है और वो हमें बता रही हैं तो इनकी हमारे लिए कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है बट इफ दे आर पेटेंट अगर आपकी ग्रैंड मदर इन होम रेमेडीज पे राइट या गवर्नमेंट से पेटेंट करवा लेती हैं तो इन राइट्स की इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाती है उनके इन रेमेडीज के थ्रू हमारी गवर्नमेंट मेडिसिन बना सकती है बट नेम किसका होगा आपकी ग्रैंड मदरस का बिकॉज दे विल बी पेटेंट टू हर नेम सो वी कैन अंडरस्टैंड वॉट इज पेटेंट पेटेंट मींस एक्सक्लूसिव राइट ओवर इन आइडिया और इन्वेंशन पेटेंट का मतलब होता है एक्सक्लूसिव राइट right आपका किसी इन्वेंशन और आइडिया पर आइडिया आपका है इन्वेंशन आपका है तो आपका उसके ऊपर एक राइट right है दैट इज कॉल्ड पेटेंट